हाय गाइस, दिस इज मी अमरेन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बाबुल के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग आ चुके हैं एक नए प्लेस को एक्सप्लोर करने, जिसका नाम है अमर मीट। और इसका मैं लोकेशन बता दूं तो ये है आपको लक्ष्मी चौक पे, जस्ट लक्ष्मी मंदिर के जस्ट बगल में ही। और ये यहाँ का सबसे पुराना शॉप है, ये 40 से 45 साल पुराना शॉप है, जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा था। तो हम लोग भी यहाँ पे आए हैं मटन टास्क को ट्राई करने के लिए। चलिए चलते हैं, देखते हैं कैसा है और खा के बताऊँगा कि कैसा इंजॉय कर रहे हैं। और लिंक और एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप लोग भी यहाँ आकर के, जो भी विजिट है मुजफ्फरपुर में, ये काफ़ी बाहर से भी लोग यहाँ पे आते हैं ट्राई करने के लिए मटन, स्पेशली मटन। चलिए चलते हैं, देखते हैं। ये मटन आपको 20 मिनट में रेडी हो जाएगा खाने के लिए। आपने सही सुना है, 20 मिनट में बन के रेडी हो जाएगा, वो भी मटन जो काफ़ी फेमस है यहाँ पे लक्ष्मी चौक अमर मीट शॉप का नाम है। और ये हम आपको दिखा रहे हैं बनने का प्रोसेस। चलिए भैया से बात करते हैं और फीडबैक लेते हैं यहाँ का कि कैसा, मतलब यहाँ का टेस्ट क्या है। तो क्या हुआ भैया, नाम आपका? मेरा नाम आशीष कुमार हुआ। कैसा यहाँ का टेस्ट है? टेस्ट तो बढ़िया ही है। अच्छा, यहाँ बताया जाता है भैया कि ये 20 मिनट में रेडी हो जाता है, क्या लगता है ये सही है? हाँ, 20 मिनट में हो जाता है, हो जाता है। आधा कुछ मैरिनेट करके रखते हैं, तवा का फ्राई करते हैं, ये स्टू है वो बनेगा। ओके, वो तो मटन टास्क के बारे में, ये तो मटन स्टू आप खा रहे जा सकते। टेस्ट कैसा है मटन? अभी तो ये फ्राई ये खा रहे हैं रस वाला, स्टू अभी बना नहीं है, बनेगा। कितने टाइम से यहाँ पे आ रहे हैं? 15-20 साल हो गया, 20 साल जैसे ही आ रहे हैं। टेस्ट कैसा है इसका? टेस्ट बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब कितना देर में भैया बन जाएगा? 5 मिनट और लगेगा। क्या फुली रेडी होने में 5 से 7 मिनट? 5 से 7 मिनट। और यहाँ हम लोग मीट खाने के लिए मीट खाने के लिए स्पेशली आए हैं। बहुत अच्छा लगा भैया, फेमस है इसलिए आप लोग, मतलब अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग गलत, बिल्कुल खसी का मीट मिलता है। हाँ, वो बकरी उकड़ी वाली सवाल नहीं है, इसलिए हम लोग वहाँ से आते हैं खाने स्पेशली इसी काम के लिए। और ये आपका रेडी मोड में है, आप खाने के लिए इसको रेडी हो सकते हैं। ये मरीज हो ना, मैं बताऊँ तो हमारा मटन टास्क बनके रेडी हो गया। 25 मिनट टाइमिंग लगा है, उसके बाद ये बनके रेडी हो गया 20 से 25 मिनट। और इसको हम लोग ने ये थोड़ा पूजा के साथ जुड़ा, जो ये कैसे में इसको फ्राई किया जाता है भैया, बालू इसको क्या बोलते हैं? चूरा का, भैया चूरा का फ्राई है, तो लोग फ्राई करेंगे मटन के साथ, जो ये बता रहे भैया इसके साथ बहुत अच्छा लगता है। तो पहले देखता हूँ ये अच्छे तरीके से कुक है या नहीं, चलिए देखते हैं। इसके साथ भैया एक देखते कैसा है, बहुत गर्म, बहुत गर्म। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है,
विश्वास नहीं हो रहा कि 20 मिनट में इतना अच्छा कुक किया गया, वह पक गया। नॉर्मली हम भी अपने घर में बनाते हैं, मिनिमम एक घंटे लगते हैं इसको कुक करने में, अच्छे तरीके से, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है खाने में, बहुत ज़िंदा। तो इसके साथ हम लोग ट्राई करते हैं कैसा है, क्योंकि मैंने इसके साथ कभी पहले ट्राई नहीं किया है, क्योंकि हम लोग नॉर्मली रोटी और चावल के साथ ही ट्राई करते हैं, देखिए कैसा है। मटन ताज के साथ हमने चावल प्रेफर किया है खाना चावल के साथ, और ये मटन ताज जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये अच्छी तरीके से इसको प्लेटिंग की गई, जो काफ़ी अच्छा लगा, और इसको इसकी ग्रेवी में बताऊँ तो काफ़ी अच्छा है, देखता हूँ खा करके। और इसके साथ मैं बताऊँ तो हमें ओनियन प्याज सर्व किया गया है, और जो कि नीचे के साथ जो हम लोग यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जो ज़्यादा मीठा है, तो अगर मिर्ची एक्स्ट्रा चाहिए तो वो मिर्ची के साथ एक्स्ट्रा ट्राई कर सकते हैं। चलिए खाते हैं कैसा है ओवरऑल टेस्ट, एकदम कैसा है, नहीं है वो चावल चाहिए रोटी चाहिए, बहुत ही अच्छा उनका टेस्ट है, लजीज बहुत अच्छा लग रहा है खाने को, मटन का टेस्ट भी है, और मैं बताऊँ तो स्पून से ही कट जा रहा है, इसकी अच्छे तरीके से इसको पकाया गया जिसके कारण ये स्पून से ये कट कर दिया, बहुत अच्छा लग रहा है, जैसा कि आप देख पाएंगे कि रंग निकल गया है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है, टेस्ट है बहुत अच्छा है, आप लोग भी आके ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा का एक्सपीरियंस रहा। फटाफट पहले इसको हम लोग ख़त्म करते हैं, ख़त्म करने के बाद फिर हम लोग बात करते हैं, इसका ओवरऑल फीडबैक बहुत ही अच्छा है। अगर मुजफ्फरपुर में हैं या फिर मुजफ्फरपुर से बाहर भी हैं तो यहाँ पे आकर के अमर मीट में ट्राई कीजिए, जो कि लक्ष्मी चौक में लक्ष्मी मंदिर के जस्ट बगल में आसपास में आपको बहुत सारा मिलेगा, बट वो सही नहीं है, अमर मीट ओरिजिनल यही है जो आपको मैं बाहर में इमेज शो कर दूंगा, देख सकते हैं, और सिनेमेटिक शॉट भी आप देखिएगा कैसा है। और चलिए चलते हैं, वीडियो को एंड करने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे फेसबुक पेज इंस्टाग्राम इसको भी आप फॉलो कर लें, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, और ढेर सारा प्यार दीजिए।